एकदम तो रोंग साइड में बस आ जाए तो बस ने सीधी गोडे टक्कर मारी, बाइक पर तम्मा पड़ेगा, बाइक आगे निकल गई। बोले डॉक्टर भाई मैं ऑपरेशन तो कर दूंगा, तने चीर का तो गिर दूंगा, मैं ये गारंटी लेना, तो अपनी पैरों पर खड़ा हो जाएगा। आपके साथ मदद के लिए कोई आगे आया, आपके मतलब रिश्तेदार वगैरह या कोई और जिन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाया? शुरू शुरू में थोड़ा बहुत सारा लाया, मतलब दिखा ना अभी लंबी बीमारी होगी, अब सब दूर हो गए, कति सब कोई नहीं जी, मतलब साथी घने दुखी हो रहे हैं। हालचाल पूछने के लिए भी आते हैं कि रिश्तेदार के? जो मतलब मैं ठीक था, जब अच्छी हाइट थी, अच्छा गात था, यार दोस्त थे, वो भी भाग गए जी। परिवार में मैं हूँ जी, मेरी माँ है, पिता मेरे एक्सपायर हो गए थे, वो भी 5 साल बीमारी मेरा एक्सपायर हुए हैं जी। पैर की स्थिति अभी आपकी बहुत ज्यादा खराब है। ऐसी बेकार जिंदगी के करना जी के जी, मतलब कह के मन मायजा, मैं नहीं सोचू जो हमारे चैनल पर देख रहे हैं जिसका जैसा जो हो, तो मैं अपनी जिंदगी जी लूंगा जी। नमस्कार, पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। कहते हैं कि भगवान किसी को भी दुख ना दे, अगर दुख दे तो उसमें एक साथी ऐसा हो जो आपके दुख और दर्द बांट सके। लेकिन इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के पानीपत जिले के एक बाउंसर मौजूद हैं जिन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। छोटी सी उम्र में पिता का साया सिर से उठ चुका है और पैर से लाचार होने के बेहद करीब हैं और अभी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और उनकी ये जो स्थिति है वो कैसी हुई उनसे जानते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम अमन है जी। मेरा जिला पानीपत और गांव इसराना है जी। तो मैं उस समय जी बाउंसर की जॉब करता था। अमन, ये जो बाउंसर की जॉब है आपने कौन सी उम्र में करनी शुरू की और ये पूरी जो स्थिति है ये संकट की घड़ी में आप कैसे आ गए ये बताइएगा। 19 साल की उम्र में मैंने जॉब करनी शुरू करी जी। जब मैं जॉब पर गया तो 19 साल का था मैं जी। और एक मेरा दोस्त आ जाता, वो मतलब बोलता भाई उनका कोई गुजर रहा था जी, आज अमन मेरे साथ चल जी। तो मैं अपनी छुट्टी लेकर उसके साथ जाता हूँ जी, और उसके पीछे बाइक पर बैठा था जी। लंबे गोड्डे हो गए तो मतलब गोड्डा बाहर निकल रहा था, एकदम तो रोंग साइड में बस आ जाए तो बस ने सीधी गोड्डे टक्कर मारी, बाइक पर तम्मा पड़ेगा, बाइक आगे निकल गई। ये कितने तो साल पहले की बात है? 3 साल पहले की जी। तो उस समय मैं बेहोश हो गया था जी। फिर मैंने रोहतक पीजीआई ले गए, तो वहाँ मैं रोहतक पीजीआई में भी 3 महीने एडमिट रहा, तो वहाँ से फिर मेरे को ऐसी रेफर कर दिया, ऐसी मलिक हॉस्पिटल है जी, डॉक्टर वीरेंद्र का देना, उन्होंने ऑपरेशन किया था। तो सर्जरी तो कर दी थी गोड्डे की उनने जी, ये जो इन्फेक्शन हो रहा है ना, तो इस इन्फेक्शन के ऑपरेशन होने जी, बार बार इसकी सफाई करके देखेंगे, जब लास्ट में जी मतलब नहीं ख़त्म होया तो कैसे न कैसे करके गोड्डा मोड़ कर हड निकाल लेंगे और फिर दूसरी हड्डी डाल लेंगे जी। अभी परिवार में कौन कौन है आपके वो बताइए? परिवार में मैं हूँ जी, मेरी माँ है, पिता मेरे एक्सपायर हो गए थे, वो भी 5 साल बीमारी मेरा एक्सपायर हुए हैं जी, बीमार हो गए थे वो भी जी। हाँ जी। जब आपका ये एक्सीडेंट हुआ उस वक्त आपके पिता मौजूद थे? मतलब खाट में थे? नहीं जी, वो तो एक्सपायर हो रहे थे जब। अच्छा। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ वो एक्सपायर हुए ना, 1 साल हुआ था जी, पूरा जी। उसी दिन मेरा पिताजी एक्सपायर हो गए थे रोहतक पी जाए, तो उसी दिन में भर्ती हुआ थोड़े। अच्छा। हाँ जी। और उस वक्त आपकी किसी ने मदद की, आर्थिक तौर पर किसी ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया जब एक्सीडेंट? जब तो जो मेरी मदद दी नुआ उधारे पीछे, मतलब फिर वो वापसी भी करे, जब मौसम आ लिया जी जब तो वापसी भी करे पैसे, जो मैंने 1-2 लाख रुपया जोड़ा था मतलब मेहनत करके, वो सारा बीमारी मतलब का मतलब कर्ज भी हो रहा है जी, घने दुखी हो रहे हैं। मतलब आप बता रहे हैं कि जो आपने बतौर बाउंसर अपने जितनी भी कमाई थी वो इस पर लगा दी, पिता की कमाई आप बता रहे हैं और जो बाकी कमाई थी? और मेरी माता जी भी मिड डे मील में काम करती है जी, वो भी स्कूल में जाती है, बच्चों का खाना बनाती है, वो भी करे मेहनत। हाँ जी।
इस पूरी स्थिति में आपके साथ मदद के लिए कोई आगे आया, आपके मतलब रिश्तेदार वगैरह या कोई और जिन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाया? रिश्तेदार ने जी शुरू शुरू में दे दिए हाथू दायरे, तो फिर वे वापसी भी तो करने पड़े जी उस माई पीछे। तो मतलब शुरू में एक दो रिश्तेदार ने दिए जी 150,000 रुपये, 50 दिए, 1,00,000 दिए। जब तो जी शुरू शुरू में थोड़ा बहुत सारा लाया, मतलब इवन दिखा ना भी लंबी बीमारी होगी, अब सब दूर हो गए जी, कति सभी दूर हो गए। हाँ जी, हालचाल पूछने के लिए भी आते हैं कि रिश्तेदार के? जो मतलब मैं ठीक था, जब अच्छी हाइट थी, अच्छा गात था, यार दोस्त थे, वो भी भाग गए जी। अच्छा, कोई नहीं जी, मतलब साथी। तो अभी जहां आप इलाज करवा रहे हैं वहां पर अब तक कितनी जो है सर्जरी आपकी हो चुकी है वो बताइएगा, क्योंकि पैर की स्थिति अभी आपकी बहुत ज्यादा खराब है। मेरे जी 5-6 ऑपरेशन हो लिए जी। ऑपरेशन हो चुके? हाँ जी। कोई ऑपरेशन खराब हो गया, कोई नट फल तुगल गया, पीजीआई में तो यही काम, कोई भी कभी तो नट फल 2-3 बंद नट निकाल लिया जी उन्होंने बाहर रोहतक पीजीआई में। हाँ जी। जी तो उस समय तो मैं भी उस था जी, जी। फिर उन्होंने डॉक्टर ने मतलब फटा छोड़ दिया पैर, उन्होंने बोले भाई पहले इना जान बचाओगे शोध दिमाग ले दो, पहले हम शोध दिमाग ले आओगे जी। दिमाग में मतलब कोई खून का कतरा टक गया था, तो फिर वे शोधी शादी में लाए टीके टेके लागे जी, तो सिर्फ शोधी माए पीछे पर ऐसी इलाज हो रहा था जी। तो अभी आपका जो इलाज वो हांसी में चल रहा है? उस डॉक्टर ने जी मतलब नो बोले डॉक्टर भाई मैं वो ऑपरेशन तो कर दूंगा, तने चीर का तो घेर दूंगा, मैं ये गारंटी लेना तो अपनी पैरों पर खड़ा हो जाएगा। यूपी मैं मुजफ्फरनगर है जी, वर्धमान हॉस्पिटल, उस डॉक्टर ने गारंटी ले ली चलाने की भाई 7-8 ऑपरेशन होंगे, मतलब 8-9 लाख 10 लाख तक लास्ट कर्जा बता दिया आ जाएगा, तो मतलब अपने पैर पर खड़ा कर दूंगा मैं, तो काम करने लग जाए छोटा मोटा। तो हरियाणा की किसी सरकारी अस्पताल में या किसी और रोहतक पीजीआई में नहीं किसी ने आपकी ये सुदली की पूरा तरीके से आप ठीक हो सकते हैं? उधर पीजीआई में तो खराब हुआ जी, वो मेरी पीजीआई में खराब कर दिया। हाँ जी, मेरी जिंदगी खराब कर रखी गई इब देख लो अच्छी हाइट से अपना मैं गिर रखी किस अपनी सोच रहा था पैर करके गेर दिया कि पूरा नहीं हो, तो मैं सोच रहा था। तो आपने जो आपके इलाके के स्थानीय विधायक हैं, पार्षद हैं, या आपने सीएम विंडो पर इस तरीके से कोई शिकायत नहीं दी, आपने कोई गुहार नहीं लगाई? कोई नहीं करता जी काम, कोई भी नहीं। आपने कोशिश की? सुनवाई नहीं होती, बस तेरी कोशिश करी जी। मीडिया आगा का कौन राज्य है जी, सब दुखी होंगे, हम तो भी राज्य नहीं था जी, कैमरे आगा आ गए दुखी होंगे, कोई नहीं जी करती कोई भी। इधर आप देख भी सको, मतलब शबत सो भी नहीं सकता मैं, चादर गेर लिया चादर का इन्फेक्शन लग गया मुँह पर लगा गया, वो मतलब सो भी चादर अपने गात में गिरता नहीं अपनी। अच्छा। हाँ ऐसा काम हो रहा है जी। तो अभी आप किस तरीके से देख रहे हैं फिर आप, क्योंकि अभी आप बता रहे हैं कर्ज था, कर्ज लुटा चुके हैं आप करीब करीब, रिश्तेदार दूर हो चुके हैं, पूंजी जो थी वो आपने अब तक लगा दी, तो भी आप कैसे देख रहे हैं इलाज किस तरीके से जो है मुमकिन हो पाएगा, क्या अपील कर रहे हैं? यही अपील कर रहे हैं जो जो अपने चैनल पर देख रहे हैं, मतलब जिसका जैसा वो मन करे वैसे करे, भगवान करे जी मेरे पूरे हों तो मैं अपना ऑपरेशन करवा लूं जी। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं पेशे से बाउंसर थे, 19 साल की उम्र में बतौर करियर इन्होंने शुरू किया बाउंसर के तौर पर। 17 साल बाउंसर लग लिया था जी मैं, 17 साल की उम्र में। हाँ जी, जी। पिता बीमार थे, मतलब 10वीं क्लास में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था जी। फिर मैंने 12वीं क्लास आएगी बोर्ड की, 11वीं क्लास कराया जी पूरी काम जी, जी। फिर 12वीं में फिर छोड़ दिया काम, फिर पढ़िया 12वीं पढ़ दे, फिर तो बाउंसरी मतलब नेशनल कंपनी सी है जो अपने मतलब भर्ती करा जी पूरे, फैल भी करा पास भी करा बच्चे ने, तो मैंने अपने फिजिकल पैड है जब बनशरी भर्ती हुआ था जी। वहाँ जिस तरीके से बाकी लोगों की एसोसिएशन बनी होती है, बाउंसर्स की भी अगर बात की जाए एसोसिएशन बनी, तो वहाँ से कोई मदद के लिए हाथ नहीं आ गया? कंपनी है जियो केस तब ऑर्डर है। अच्छा। उन्होंने तो मतलब केस तो होया कोई ना ना, पहले 2 दिन पहले गेट तो बाहर दिखा देंगे भाई आता नहीं था, ये केस नहीं उस कंपनी बस थी, कोई बड़ी कंपनी है वो नहीं केस है ऑर्डर जी। ना तो मतलब बाउंसर्स की जो एसोसिएशन उन्होंने मदद की, कंपनी ने भी नहीं मदद की कोई आपकी? किसी ने मदद नहीं की जी, किसी ने भी जी। तो मतलब मैंने भी सोचा जो हमारे चैनल पर देख रहे हैं जिसका जैसा जो वो, तो मैं अपनी जिंदगी जी लूंगा जी।
अभी आपकी उम्र 23 साल। हाँ जी, अच्छा 6 फुट 4 इंच हाइट है जी मेरी, 6'4" तो मतलब ऐसी बेकार जिंदगी के करना जी का जी, मतलब क्या के किमन माए जा, एक बार नो हो जाए एक ऑपरेशन हो जाए भाई अपने पैर अब खड़ा हो जाए मैं अपने कमरे में लौट आऊँ, कोई ना हो तो जी मेरी माँ भी तो मतलब स्कूल में चली जावे है तो मैंने खेड़ा कौन करे जी, अनु काम धान चल रहे। और आपका सपना क्या था, आपने क्या बनने का सोचा था पहले? सपने तो मेरे बहुत थे जी, सपने तो बहुत थे मतलब पूरे भी करूँ और जी मेहनत कर रहा था मैं स्कूल में पढ़ा रहा था जब मेहनत करने लग लिया था तो मतलब सपने भी थे जी। तो 23 साल की उम्र में ये बाउंसर जो कि जिन पर अभी जो दुखों का पहाड़ वो टूट चुका है और कहीं ना कहीं बहुत लाचारी वाली जिंदगी जी रहे हैं, रिश्तेदार दूर हो चुके हैं इस दुख के चलते, इस बीमारी के चलते, और बाकी लोगों ने भी दोस्तों ने साथ छोड़ दिया है, और इनकी जो अब कहीं ना कहीं अपील है वो ये गुहार लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो समाजसेवी संस्थाएँ या फिर जो अन्य लोग मदद के लिए आगे आना चाहें वो ज़रूर आगे आएं और इनका ऑपरेशन में कहीं ना कहीं हाथ बटाएं, कहीं ना कहीं ऑपरेशन में जो जितनी भी जिस तरीके से भी मदद हो सकती है वो मदद ज़रूर करें, ताकि 23 साल की उम्र में इनको जो क्योंकि खतरा एक कहीं ना कहीं बनता हुआ इनको नज़र आ रहा है कि टांग ना गंवा दें अपनी, और टांग गंवाएंगे तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी बहुत लाचार और एक बिना टांग के ज़िंदगी जीना बहुत दुश्वारी भरा कहीं ना कहीं जीवन रहता है, और पिता का साया पहले ही उठ चुका है और माँ कहीं ना कहीं मिड डे मील में नौकरी करती है, गुजर बसर कहीं ना कहीं परिवार का चलाया जा रहा है, लेकिन इनका प्रयास ये है कि जैसे तैसे ऑपरेशन हो, 8-10 लाख रुपए की रकम बता रहे हैं कि 4-5 ऑपरेशन अभी फ़िलहाल होने हैं, सर्जरीज काफ़ी होनी है, तो उस तरीके से अगर कोई मदद का हाथ आगे आता है तो इनका जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल और मुमकिन हो पाता है। तो PTC न्यूज़ के ज़रिए एक छोटी सी ये अपील करने के लिए यहाँ पहुँची, और एक अपील ज़ाहिर तौर पर सोशल कोज के ज़रिए PTC न्यूज़ भी ये अपील कर रहा है। फ़िलहाल के लिए तो इस कहानी में इतनी ही जानकारी, क्योंकि कहानी काफ़ी भावुक कर देने वाली है। 17 साल की उम्र में बतौर बाउंसर इन्होंने मजबूरी में करियर की शुरुआत की, पिता कहीं ना कहीं जूझ रहे थे, अस्पताल में कहीं ना कहीं थे, पिता को इन्होंने बहुत छोटी उम्र में खोया, और उसके बाद अब ये काफ़ी संघर्ष के दौर से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इनका जो सर्जरी और ऑपरेशन है बहुत जल्द मुमकिन हो और ये अपने पैरों पर एक बार फिर से खड़े हों और अपने जो सपने हैं उनको एक उड़ान दे पाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतनी जानकारी, आप बने रहिए PTC न्यूज़ के साथ, आप मुझे और मेरे कैमरा पर्सन शेर सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।